तो आज का फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन WWE का लास्ट शो था रेसलमेनिया से पहले का, और आज भाई कोडी रोड्स एंड सेथ रॉलिंस ने अपना बदला भी ले लिया है ब्लड लाइन से। तो पूरे शो पर क्या कुछ हुआ ये इस वीडियो में जानते हैं, लेकिन उससे पहले जो भी नए बंदे आए हैं चैनल पर फटाफट से चैनल लाइक करके वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना। अबे साले आई मीन वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो मेरी जान। और एक बात और के रेसलमेनिया की प्रेडिक्शन वीडियो आ चुकी है, तो आपको वो आई बटन पर दिख रही होगी। इस वीडियो के एंड में भी मैं उसको लगा दूंगा, तो जरूर जाकर देखना, आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सा विनर होने वाला है रेसलमेनिया 40 के। सबसे पहले आज के शो के ऊपर बात करते हैं जे उसो वर्सेस सोलो सिकोवा के मैच के बारे में। तो ये मैच आज के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के मेन इवेंट में हुआ था। तो इस मैच की एंडिंग कुछ इस तरह से होती है कि सबसे पहले तो जे उसो सुपर किक जड़ते हैं सोलो सिकोवा के ऊपर, एंड उसके बाद एक स्पीयर जड़ते हैं, देन हमें देखने को मिलता है उसो स्लैश, और यहाँ पर पिन करने जाते हैं जे उसो, तभी वहाँ पर जिमी उसो आकर अटैक कर देते हैं जे उसो के ऊपर। तो इस तरह से ये मैच जो है वो डिस्क्वालिफिकेशन से एंड हो जाता है। इसके बाद सोलो सिकोवा एंड जिमी उसो अटैक कर रहे होते हैं जे उसो के ऊपर, तो जे उसो को यहाँ पर सेव करने के लिए आते हैं द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स, एंड उनके साथ सेथ रॉलिंस भी थे। तो कोडी रोड्स एंड सेथ रॉलिंस ने आकर भाई बजा दिया था पूरी ब्लड लाइन को। तो कोडी रोड्स ने यहाँ पर वही वाली बेल्ट निकाली जिससे रॉक ने उनको पीटा था। तो यहाँ पर सेथ रॉलिंस एंड कोडी रोड्स ने पूरा बजाया बेल्ट से पूरी ब्लड लाइन को, मतलब के सोलो सिकोवा और जिमी उसो को। तो भाई जिमी उसो तो वहाँ पर बचकर भागने लगे थे, लेकिन भाई जे उसो ने पकड़ कर रिंग के बीच फेंक दिया। तो भाई यहाँ पर लिटरली इतना बुरा फंस गए थे जिमी उसो कि भाई जिमी उसो के चारों और कोडी रोड्स सेथ रॉलिंस एंड जे उसो खड़ गए थे। तो यहाँ पर सबसे पहले तो क्रॉस रोड्स हमें देखने को मिलता है जिमी उसो के ऊपर, एंड उसके बाद हमें यहाँ पर जे उसो की तरफ से उसो स्लैश देखने को मिलता है जिमी उसो के ऊपर। देन यहाँ पर जो कोडी है वो माइक के ऊपर आते हैं, तो कोडी रोड्स ने यहाँ पर बोला कि रेसलमेनिया को 40 साल हो चुके हैं और कल के दिन मैं और सेथ रॉलिंस जो है वो फाइनल बॉस के मुंह पर एक तमाचा भी जड़ने वाले हैं, थप्पड़ मारने वाले हैं। एंड उसके अगले दिन जो मेरा और रोमन रेंस का मैच होने वाला है अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए, उस मैच के अंदर मैं ट्राइबल चीफ को हरा कर बनूंगा न्यू अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन, और मैं अपनी ये जो स्टोरी है उसको फिनिश कर एक नई स्टोरी को शुरू करने वाला हूं। और इसके अलावा आज फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के ऊपर केविन ओवेंस का KO शो हुआ था, जिसके ऊपर जो स्पेशल गेस्ट थे वो थे रैंडी ऑर्टन। रैंडी ऑर्टन ने आकर यहां पर बताया कि हमारा जो मैच है वो होने वाला है रेसलमेनिया 40 के अंदर, जो कि यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप के लिए होगा। यहां पर लोगन पॉल भी स्क्रीन पर आ जाते हैं, जो कि रेसलमेनिया 40 की स्टेज से लाइव हुए थे। तो यहां पर जो केविन ओवेंस और रैंडी ऑर्टन है वो भाई क्राउड में से भाग जाते हैं कि हमें तो भाई लोगन पॉल को वहीं पर जाके पीटना है। एंड इसके बाद हमें एक और सेगमेंट दिखाई देता है जहां पर भाई रैंडी ऑर्टन एंड जो केविन ओवेंस है वो गोल्फ वाली जो गाड़ी होती है उसके ऊपर बैठकर चले जाते हैं रेसलमेनिया की स्टेज की ओर। देन इसके बाद हमें एक और सेगमेंट दिखाई देता है जहां पर जो लोगन पॉल है वो फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पर आ जाते हैं। तो यहां पर वो रिंग के अंदर आकर अपना प्रोमो कट कर रहे थे कि भाई रैंडी ऑर्टन और केविन ओवेंस इतने ज्यादा बेवकूफ लोग हैं, तभी भाई रिंग साइड के ऊपर केविन ओवेंस और रैंडी ऑर्टन दोनों ही आ जाते हैं। तो यहां पर लोगन पॉल भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन सबसे पहले यहां पर केविन ओवेंस की ओर से स्टनर देखने को मिलता है, देन उसके बाद हमें रैंडी ऑर्टन की तरफ से एक विंटेज RKO देखने को मिलती है लोगन पॉल के ऊपर। और इसी के साथ आज के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के ऊपर हमें एंड्रिया द जायंट बैटल रॉयल भी देखने को मिला था, जिसके अंदर काफी सारे सुपरस्टार जो थे वो कम्पीट कर रहे थे, जो कि आप स्क्रीन पर देख भी सकते हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस मैच के अंदर चैड गेबल तो बिल्कुल भी नहीं थे, जबकि उनको फीचर्ड भी किया हुआ था, पता नहीं इसके पीछे क्या रीजन है। बात करें अगर इस मैच के विनर की तो एंड्रिया द बैटल रॉयल को जीत चुके हैं बिग ब्रॉन्सन रीड। और साथ ही हमें एक और चीज भी शॉकिंग देखने को मिली है, जो कि थी अंद्रादे का हील टर्न, जो कि उन्होंने डोमिनिक मिस्टीरियो और साथ ही साथ सेंटोस एस्कोबार के ऊपर किया था। तो यहाँ पर अंद्रादे ने ज्वाइन करके रे मिस्टीरियो को बजा दिया है सेंटोस एस्कोबार और डोमिनिक मिस्टीरियो को। तो देखो यार, मैं आपको सच सच बताऊंगा, मुझे आज का फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन भाई बिल्कुल भी बढ़िया नहीं लगा, जबकि आज का शो बहुत ज्यादा बढ़िया होना था, क्योंकि भाई ये रेसलमेनिया से ठीक पहले का शो है एक दिन। लेकिन यहाँ पर WWE ने घंटा कुछ नहीं किया था इस शो के ऊपर। बाकी आप बताओ आपको कैसे लगा आज का फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन, सभी लोग कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना मुझे। अगर आप मेरे से पर्सनली चैट में बात करना चाहते हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर आ सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, एंड साथ ही साथ सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब ठोक देना मेरी जान।